सो हाय टबीज, दिस इज कर्श। और कुछ दिनों से एक जो ट्वीट है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जब से ये न्यूज़ आई है कि कलर ओ एस 7 का जो एंड्रॉयड 10 के साथ आने वाला अपडेट है, ओप्पो F9 और F9 प्रो के लिए उसका फर्स्ट बैच का डेट रिलीज़ हो गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जाओ यार उसको चेकआउट करो और अपने ओप्पो F9 F9 प्रो डिवाइस के लिए जो बेसिक डेट आ गई है फर्स्ट बैच कोटा की, जिसमें कि पता नहीं कितने कोटास होंगे, बट उसकी जो डेट है वो क्लियर कट हो गया है, खुद ऑफिशियली ओप्पो ने लीक किया है। अब उसके बाद से ये जो इतनी देर से आप स्क्रीन पर एक जो ट्वीट टाइप का देख रहे हो, क्या आपको इसमें कुछ भी गलत लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है ना तो यार कहना नहीं चाहिए, बट आप बहुत बड़े बुद्धू हो या फिर आपने कभी ट्विटर ही यूज़ नहीं किया है, बिकॉज़ ये जो ट्वीट है ये फर्जी ट्वीट है। बहुत ज़्यादा टाइम से मैं देख रहा हूँ कि ये वायरल हो रहा है एंड मुझे तो कम से कम 4 या 5 लोगों ने ये बार बार मुझे कल परसों में सेंड किए हैं। मुझे मतलब ऐसा लगा कि यार कहीं सच्ची में ऐसा कुछ तो नहीं हो गया। फिर मैं गया ऑफिशियली कलर ओ एस 7 ग्लोबल जो ऑफिशियल उनका अकाउंट है वहाँ पर, एंड मुझे कुछ सैड रियलिटी पता चली। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे और इस जो ये फर्जी ट्वीट है इसके पीछे की मैं आपको पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ कि आखिर ये क्यों वायरल हो रहा है, कैसे वायरल हो रहा है, और ये जो न्यूज़ है ये कहाँ से निकल कर आ रही है, उन लोगों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस एक वीडियो में। साथ में आपको कुछ इसका जो है बैकग्राउंड भी बताऊँगा कि मतलब ये जो ट्वीट है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। अगर ऐसे ट्वीट आपके पास आते हैं तो क्या आप उन ट्वीट को पहचान पाओगे या नहीं, तो उसको कैसे पहचानना है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखना है पहले, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। इसीलिए एंड तक बने रहना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिटी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर एंड सबसे पहले बात करते हैं इस ट्वीट के बारे में। गाइस, ऐसे जो ट्वीट है ना ये बहुत वायरल होते हैं। जब भी कोई भी ऐसी न्यूज़ हो जिसमें वायरल होना बहुत ज़्यादा आसान हो। अब मैं आपको इसका अंदाज़ा उसी से लगा देता हूँ कि मेरे फ़ोन में मतलब मेरा जो चैनल है बेसिकली उस चैनल पर मैं ओप्पो से रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा डालता हूँ एंड पता नहीं कैसे बट मेरे पास F9 F9 Pro का एक अच्छा यूज़र बेस है। बेसिकली मेरे पास जितने व्यूअरशिप है उसमें से मोस्टली ओप्पो F9 F9 Pro डिवाइसेस के हैं और बाकी बचे F11 F15 वाले भी हैं। बेसिकली मेरे लिए क्या सही हो जाता है कि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा, जैसे लास्ट कुछ दिनों पहले मैंने एक जो है पोस्ट किया था, कम्युनिटी पोस्ट, उसमें मैंने एक पोल किया था कि आप मुझे बताइए कि आपको किसका अपडेट वीडियो का इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ सबसे पहले चाहिए। उसमें मैंने 4 ऑप्शंस दिए थे आप लोगों को, अगर आपको याद हो, ओप्पो F9 F9 Pro अपडेट, ओप्पो F11 F11 Pro अपडेट, F15 अपडेट एंड F7 अपडेट। उसमें से मेरे पास मोर देन 67% लोग उस टाइम तक F9 F9 Pro के अपडेट के बारे में ही बोल रहे थे। मतलब मेरा जो यूज़र बेस है उसमें 60% से ज़्यादा लोग F9 F9 Pro वाले, जिनने भी वो कम्युनिटी पोस्ट देखा। कई सारे लोग तो देखते ही नहीं है इसीलिए वो पोल नहीं कर पाते। इसीलिए आपको एक और बार हाईलाइट दे देता हूँ कि हमारे चैनल पर जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू सबसे पहले मिलेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे एंड जो आपका यूट्यूब ऐप पर सब्सक्रिप्शन टैब होता है उसको आप रेगुलरली चेक करते रहेंगे। तो अनदर देन, अब इस ट्वीट पर हम रिटर्न बैक आते हैं। जो चीज़ का ज़्यादा वैल्यू होता है वो वही है जो चीज़ जल्दी वायरल हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ दिनों पहले एक फ़र्जी मैसेज वायरल हो रहा था जिसमें कि मोदी जी ने कहा है कि भैया दुकानें नहीं खुलेंगी या ऐसा वैसा, या जो लॉकडाउन है वो 15 जून तक के लिए हो गया है, आगे और ज़्यादा मतलब बढ़ गया है। ऐसे सबके जो इतनी फेक न्यूज़ होती है, अब ऐसी चीज़ों पर हम जल्दी भरोसा कर लेते हैं एंड आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि हो सकता है आपके पास F9 F9 Pro डिवाइस हो एंड आपके पास ऐसा कुछ ट्वीट आए। शुरुआत में भी आप भी धोखा खा ही जाओगे बिकॉज़ आपको ये देखने में तो बिल्कुल ओरिजिनल ट्वीट लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको करते कैसे ये लोग। ऐसे ट्वीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोशॉप हो गई, या फिर ये जो लोग हैं ये नॉर्मली छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। किसी का भी ट्वीट उठा लेंगे एंड जाकर पिक्सआर्ट या फिर फोटो लैब, पिक्सल लैब जो भी होता है उसमें जाकर के इसको एडिट कर लेंगे
एंड सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ये आ जाता है, एडिट करते टाइम ये बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नकली, ऐसे नकली ट्वीट आएंगे तो आपको कैसे पहचानना है। अब इस ट्वीट की ही बात करते हैं, सो सबसे पहला मिस्टेक जो है वो इसमें लोगो का है। आप देख सकते हो ओप्पो का जो लोगो है उसमें ओ ही कटा हुआ है, एंड लिटरली ऐसा तो नहीं है लोगो जो रियल ओप्पो का कलर ओएस ग्लोबल सेक्शन है उसमें ऐसा तो नहीं है लोगो कि उसमें ओ ही कटा हुआ हो। सो ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अप इज़ द मेन थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने नाम लिखा हुआ है, यूज़र नेम लिखा हुआ है, वो लिखा है कलर ओ एस 7, जबकि ओप्पो के कलर ओ एस का जो ऑफिशियल हैंडल है उसका यूज़र नेम है कलर ओ एस, ओनली कलर ओ एस, जिसमें भी ओ जो है ना वो थोड़ा सा वो है, ओ कैपिटल है, कलर नॉर्मल है, ओ कैपिटल है, फिर एस स्मॉल है, ऐसा है। बाकी इन एट द रेट वाला जो नेम है वो सही लिखा है बिल्कुल। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब आपको देखना है ट्वीट को एक बार प्यार से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको मिस्टेक्स अलग ही दिख जाएंगी। फॉर एग्जांपल द डिसअपॉइंट, जो डिसअपॉइंट की स्पेलिंग है उसमें पूरी तरह से गलत लिखी हुई, आप ध्यान से पढ़ सकते हो, डिसअपॉइंट में डबल पी आता है, एंड यहाँ पर ये सबसे बड़ी गलती पकड़ में आई। फिर उसके बाद जब भी कोई भी ऑफिशियल हैंडल ट्वीट करता है सो वो सारी बात एक पैराग्राफ में लिखता है, ऐसे बीच में स्पेसिंग नहीं करता है। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू लिखने के बाद इन्होंने एक गैप दिया है बहुत बड़ा, वो कि जो ऑफिशियल हैंडल कभी नहीं करता है। नेक्स्ट अप इज़ द रीट्वीट्स एंड द लाइक्स। ऑलवेज़ आप देखिए जब भी रीट्वीट्स 1000 से ज़्यादा होते हैं ओप्पो के इस प्लेटफॉर्म पर सो उतने ही ज़्यादा लाइक्स भी आते हैं, मतलब लाइक्स बेसिकली इतने ज़्यादा नहीं होते जितने रीट्वीट होते हैं, बट 1000 लाइक्स पर कम से कम 500 रीट्वीट होते हैं, और यहाँ पर 1500 से ज़्यादा रीट्वीट्स हैं और लाइक्स हैं केवल 200। ऐसी चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। अभी आपने सुना होगा ट्विटर फॉर आईफोन, ट्विटर फॉर एंड्रॉयड, ट्विटर फॉर वेब, ट्विटर फॉर ओप्पो क्या होता है यार, मतलब जिसने भी ये बनाया ना ट्वीट इतना ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी है कि उसको यही नहीं पता कि ट्विटर फॉर ओप्पो करके कोई होता ही नहीं हैंडल। ट्विटर केवल आईफोन के लिए डिफरेंट है, वेब के लिए डिफरेंट है, बाकी जितने भी एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं उन सब के लिए ट्विटर फॉर एंड्रॉयड लिखा आता है, यहाँ पर ट्विटर फॉर ओप्पो लिखा है। काइंडली ये सबसे ज़्यादा बड़ा मिस्टेक मैं इसको कहूँगा। नेक्स्ट अप इज़ मैंने जाकर इसको रीचेक किया। सो आपको जब भी रीचेक करना है तो आप नॉर्मली गूगल पर जाकर कुछ भी सर्च मत कीजिए, आप ट्विटर पर जाइए एंड ट्विटर पर आपको वेरीफाइड अकाउंट मिल जाएगा, आपको केवल कलर ओएस लिखना है, तो वहाँ ऐसा कोई ट्वीट पब्लिश नहीं हुआ है। एंड उसके बाद एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस ट्वीट का जो मकसद है वो क्या है। सो ऐसे तरह के जो भी ट्वीट्स करते हैं उनका मकसद केवल फेक न्यूज़ को फैलाना होता है, और फेक न्यूज़ फैला के उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, उन्हें पैसा मिल रहा है क्या? जी हाँ मिल रहा है। WhatsApp पर एक सर्विस अवेलेबल है फॉर ओनली मर्चेंट्स एंड फॉर ओनली ऑफिशियल हैंडल्स जो कि उनके साथ कनेक्टेड हैं, कि जितना ज़्यादा आप किसी फर्जी न्यूज़ को, मतलब किसी फर्जी क्या, ओरिजिनल भी किसी मैसेज को ज़्यादा शेयर किया जाता है उसका उनको शेयर वाइज अमाउंट मिलता है। सो ऐसे जब भी ट्वीट WhatsApp या फिर किसी अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर होते हैं सो उनको उतना ही ज़्यादा अमाउंट मिलता है। सो इससे तो आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि वो कमा भी रहे हैं ऐसी तरह की चीज़ें करके। एंड उनका नेक्स्ट मोटिव ये होता है कि ऐसी चीज़ को फैलाओ जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर है, सो ये चीज़ पॉपुलर है। फिर उसके बाद आप अगर एक बार ट्वीट को फिर से पढ़ोगे, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू कलर ओएस 7 प्लस एंड्रॉइड 10 ट्रायल वर्जन अपडेट फर्स्ट बैच फॉर ओप्पो F9/F9 Pro, अभी तक में एक भी फुल स्टॉप नहीं आया है, जो कि एक बहुत बड़ी इंग्लिश मिस्टेक है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इस लाइकली टू पोस्टपोन ड्यू टू रीसेंट COVID-19 पेंडेमिक। अब यहाँ पर आप देख सकते हो COVID-19 के कारण अपडेट नहीं आ रहा है, भाई क्या क्या कहना चाह रहे हो। आर टीम इज़ कंसर्नड एंड बट नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये तो भाई अपनी टीम को ही बेइज्जती कर रहे हैं टीम की। सो ऐसे सब इंग्लिश से तो आप क्लियरली अंदाज़ा लगा ही सकते हो। काइंडली वेट टिल मिड मे टू रिसीव फर्स्ट बैच विद 5000 कोटास। कोटास की बात ऑफिशियल अपडेट के ट्वीट में कहीं नहीं की गई थी, यहाँ पर कोटास भी लिखे हुए हैं, मेंशन है। सो इससे भी आप एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो, कोटास के बारे में अभी किसी को नहीं पता, एंड ये कोटास को रिवील ऐसे थोड़ी ना करेगी कोई भी कंपनी यार। फिर मिड में इन्होंने लिखा है, जबकि किसी भी फर्स्ट बैच, सेकंड बैच या कोई सा भी बैच के बारे में अगर न्यूज़ आती है सो वहाँ पर मिड में या ऐसा कुछ नहीं लिखा होता कि भाई इस महीने में आएगी या इस हफ्ते में आएगी, क्लियरली डेट मेंशन होती है। सो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू गाइज एंजॉयड एंड अंडरस्टैंड वेरी वेल थिंग्स। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ एंड वंदे मातरम।
वारदात करते लड़के सारे मेरे भर के ताना शाह जहाँ से गुजरे कर्फ्यू वहाँ पे लगते मौत से करा दू वास्ता जो शाने बने मेरी कलम से कितने सूल चढ़े शूटर बने पबजी में ले रहे बहुत फन सनी नंबरदार देखो लेके बैठा शॉटगन देसी अपनी।